आज हम तैयार करेंगे बहुत ही चमत्कारी फेस पैक, बहुत ही अलग तरीके से, जो हमारी स्किन पे होने वाली झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, दाग धब्बे सबको दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो फ़ोन को पता नहीं क्या हो जाता है, इसकी सेटिंग्स को ही कुछ हुआ रहता है, कभी कुछ होता था कभी कुछ, और मुझे इतना आता नहीं है, तो बड़ी लाइट लाइट सी हो रही है। मैं बना रही हूँ शाम की चाय, अभी मैं सो के उठी हूँ, जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ, और मैंने आज पापा से ना ये वाले आम मंगवाए हैं। पापा रोज़ दशहरियाँ लेके आ जाते हैं, क्योंकि रत्वी का मन है मैंगो केक खाने का, तो सोच रही हूँ मैंगो केक बनाती हूँ, और साथ साथ मैं अब बनाऊँगी चाय। ये वाली ड्यूटी गाइस मैंने ना मायके में तो अपनी पक्की कर ली है। एक तो शाम की चाय मुझे ही बनानी है, कभी कभी होता है कि पापा बनाते हैं, क्योंकि पापा की चाय थोड़ी सी अलग लाइट से तरीके से बनती है, क्योंकि उनको मतलब चाय नहीं लेनी होती। तो ये वाली ड्यूटी एक पक्की है, और एक झाड़ू लगाने वाली ड्यूटी मैंने पक्की अपने हिस्से कर ली है, लेकिन वो भी मम्मी ने लगा दिया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, बहुत ही अच्छा मौसम है, 4-5 दिन से हल्की हल्की बारिश होती है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैं सिर्फ सौंफ और अजवाइन डाल के इन दिनों में चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूखे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए थे, मैदे में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाला था, और उसमें डाला था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये मैंने मक्खन गर्म करके डाला है। मैदा मैंने एक कटोरी लिया था, एक छोटा सा चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला था, चीनी थोड़ी सी पीस कर इसमें मैंने मैंगो में पीस कर उसको क्रश करके रखा हुआ है चीनी को। जितना आपको मैदा चाहिए ना, वैसे तो उतनी चीनी डलती है, लेकिन मैंगो भी थोड़ा मीठा होगा तो थोड़ी कम चीनी डाली थी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे, और कभी भी केक को ना एकदम घुमाते घुमाते आपको मिक्स नहीं करना है, आपको कट एंड फोल्ड वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना होता है। वैसे जो यहाँ पर मेरे पास मोल्ड है ना, वो प्रॉपर मोल्ड नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा ऊँचा नीचा है कांच का बर्तन, केक बनाने वाला प्रॉपर टिन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा केक लगने में भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज़ तो आपका सिंपल ही जो है वो इजीली ये केक जो है वो बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको डैप डैप करने के बाद थोड़ा सा चम्मच से ऊपर से सेट किया था, और 10 मिनट का मैंने लगा के इसको माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है। पहले मैंने ओवन को ना 2 मिनट के लिए गर्म किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे, और अच्छे से जो है वो केक फूलना गाइस शुरू हो ही गया था। और उसी बीच मैंने केक के भी, आपको पता है जब हम केक बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर अभी चाय पी के हटे थे तो वो बर्तन थे, तो मैंने सोचा केक बनते बनते जो है वो बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि इस माइक्रोवेव का ना मेरे को ढंग नहीं पता है प्रॉपर, क्योंकि पहले तो भाभी यूज़ करते थे, भाभी को तो इसका पता है, हमारे घर में तो दूसरा है OTG, तो उसका अलग तरीका होता है, तो इस पे ना बर्तन भी प्रॉपर नहीं था, मतलब केक बनाने वाला टिन नहीं था, तो मैंने कांच का बर्तन रखा था। वैसे तो वो इसी काम के लिए मैंने बाद में भाभी से पूछा, लेकिन वो ना ऊँचा नीचा था, उसका डिज़ाइन अलग सा था, शेप अलग सी थी, तो मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अंदर ही खड़े खड़े एक तो बर्तन भी धो हो जाएंगे, और ये देखिए जो सामने डस्टबिन पड़ा है ना, जिसमें ब्लैक कलर का पॉलीथीन मम्मा लगाया, इसमें जस्ट चाय पत्ती डाली जाती है जो चाय की बनती है, और मम्मा उसे खाद तैयार करते हैं, और हमारे नीचे जो फल वगैरह फूलों के पौधे हैं उनमें डालते हैं, मनी प्लांट में डालते हैं, मनी प्लांट बहुत ही बड़ा अच्छा सा है। वैसे खेती वाले तो अभी पौधे वगैरह नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारे इधर बंदर बहुत आते हैं और वो खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते, इसलिए खाने पीने की चीज़ तो कोई नहीं लगाई, बस ऐसे एलोवेरा लगा हुआ है उसमें भी मम्मा ये वाली खाद डालते हैं, और बहुत ही अच्छे से मतलब वो चल रहा है, और केक बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो रहा था, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, और केक निकलेगा अभी। ये देखिए मैंगो केक टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा इस तरह से मैंने इसे पहले निकाल लगा के देखा कि पक गया है कि नहीं, क्योंकि आइड साइड से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, फूलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि शेप में इसके थोड़ा सा डिफरेंस था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसे मैं चेक कर लूँ। तो मैंगो केक टेस्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और मम्मा भी खा लेते हैं, और मम्मा ये सब चीज़ें नहीं बनानी आती, मम्मा ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि पापा को तो देना नहीं होता ये सब, है ना, लेकिन मैंने बोला मम्मा कभी कभार एक आध बाइट खा लिया तो क्या बात है, तो मैं मम्मा को सिखा रही थी कि इस तरह मम्मा किनारे खुद ब खुद छोड़ देता है, तो ये केक जो है वो बन गया, तो मैंने उसको अंदर ढक के आ गई ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे ये इन दोनों का फेवरेट काम है, नानी दोती का, ये गेम बहुत खेलती हैं, बहुत लूडो खेलती रहती हैं, कैरम खेलती हैं, और हरित्वी ने अपनी पता नहीं कौन कौन सी गेम मम्मी को सिखाई हुई है। और यहाँ पे मैं हरित्वी का होमवर्क बनाने लग गई थी, उसके लिए मैथ्स के कुछ सम लिखे मैंने, इसी तरह मैं जैसे टाइम मिलता है उसकी नोटबुक पे उसका जो है होमवर्क
राइट डाउन करती रहती हूँ और ऋत्वी खुद ब खुद नोटबुक उठाती है और अपना होमवर्क कर लेती है। कभी कभी मुझे उसके ऊपर चिल्लाना पड़ता है कि बाबू होमवर्क कर लो, बाबू पढ़ लो, बाबू पढ़ लो, क्योंकि बाबू नानी हाउस में आके बिल्कुल मतलब हवा में उड़ने लग जाता है। वो होता है ना माम्यों के आके जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो वाला हिसाब होता है। और उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैम्परिज्म मिलता है। और ये देखिए शुरी इस तरह से इसका ढक्कन लग जाता है। तो पहले मैंने इससे सोचा कि देखती हूँ किनारा कोई चिपका तो नहीं है। वही बात हुई, शेप थोड़ी सी इस बर्तन की अलग सी थी, तो थोड़ा सा नीचे से जो था वो केक चिपका हुआ था। अदरवाइज़ केक बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी सा टेस्टी बन के रेडी हुआ था और हम सब बाहर बैठ के इंजॉय करने वाले थे। यहाँ पे ना हरित्वी को बहुत पैम्परिज्म मिलता है और वही पैम्परिज्म हम बेटियों के लिए थोड़ा सा खतरनाक भी होता है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे मैं हरित्वी को हैंडराइटिंग के पेजेस कराने लग गई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी परवरिश इस तरीके से होती हुई होती है कि वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। जैसे मेरी परवरिश हुई थी कि मुझे दुख दर्द तकलीफ़ें दुनिया का पता ही नहीं होता था, और जब मैं दुनिया के साथ वाकिफ हुई तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ ना। हुई। आगे से कोई गाय वाय आ गई तो भागेगी पीछे को, इतनी डरपोक है ये। और हम लोग जा रहे हैं जय बाबा करने, हैविंग टू फ्लावर्स विद मी। वैसे मैं लेके नहीं जाती फ्लावर, लेकिन आज पापा ने बोला, अदरवाइज मैं फ्लावर तोड़ती नहीं हूँ। यहाँ ऋत्वी कर रहा है पढ़ाई। क्या कर रहा है? टेबल लर्न कर रहा है ऋत्वी। आज कड़िया कूड़ा राज के। मम्मी गरम पानी पीना, कोसा पीना, थोड़ा नमक पा दा मड़ा जा बिच। यह सफाइयां और मेरी एक नींद की शिफ्ट लग गई है, और उठ के ऋत्वी को पढ़ाया। मम्मी सफाई कर रही थी, मम्मी को ना थोड़ा गरम पानी देना है क्योंकि मम्मी को एलर्जी हो गई, हम सबको हो जाती है धूल मिट्टी से। हाँ, ऋत्वी अब कर रही है पेंटिंग ड्राइंग वगैरह, और मम्मी के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो। यहाँ ना मम्मी को बेचारी को बड़ी दिक्कत है, ये सिलन की वजह से ऊपर से बाहर बारिश हुई तो ज़्यादा हो गया, तो बहुत सफाई करनी पड़ती है। वो भी बहुत बीमार है बेचारा। अवन हमारा ना दवाइयों का अड्डा है, स्पेशली मेरा। और मेरे को याद आ गया, मेरे को कैप्सूल लेना है मल्टीविटामिन। और ये मम्मी का पानी, मैनू लगता है ज्यादा गर्म हो गया। तुसी स्टोर भी साफ कर लिया? ओ लो, हुई थी बारिश और वो बापूश्री नीचे पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या देखने पहुंचे हैं। वाटर सप्लाई का पानी आने वाला है, तो मैंने सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ, अपने और हरित्वी के कपड़े डालती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मम्मा कर लिया, बड़ी बेचारी को प्रॉब्लम है। और ये सफाई का कीड़ा भी मुझे ना मम्मा से ही लगा है, लॉक ही नहीं खुल रहा। वॉशिंग मशीन पानी चला लिया, मैं कपड़े लाऊं। और मैं यहाँ आलू उबाल रही थी क्योंकि हमारा आज लंच में आलू परांठे खाने का मन था, क्योंकि सुबह नाश्ता सब हल्का फुल्का ही लेते हैं, अलग अलग टाइम पे सबका नाश्ता होता है। तो दैट्स वाई मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा सुबह मत बनाना, मेरा मन था तो मैं सोचा दोपहर को बनाना, और वैसे मुझे खाने भी मम्मा के हाथ के। और यहाँ मुझे अपनी दवाइयाँ खानी हैं। और इसी बीच ना मम्मी भाई को टिफ़िन बांध के दे रहे थे, वो कहीं जा रहा था अपना, उसका वो बीमार चल रहा था थोड़ा चेकअप के लिए, तो मम्मा उसको बांध के दे रहे थे। और वहीं पर मैं इमोशनल हो गई और मुझे सब कुछ पुराना पुराना ना याद आ गया कि किस तरह हम बेटियों की परवरिश होती है और किस तरह हम आगे जाके एडजस्ट करना सीख जाती हैं।
और यहाँ से मैं अपने लिए ना पैक बना रही हूँ। ये पैक जो होता है पिगमेंटेशन के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही गाइज हेल्पफुल रहा है। मैंने इसे वीक में 3 बार यूज़ किया है ऑल्टरनेट डेज पे, तो मेरी पिगमेंटेशन तो बहुत हद तक दूर हो चुकी है। हाँ, कुछ हिदायतें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी ली थी और उसे मैं तेज कर लें गैस, चाहे मीडियम रखें, तवे पर जो है मैं उसे रोस्ट करूँगी। तब तक करूँगी जब तक पूरा धुआं इसका निकल के इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, हल्का कॉफ़ी जैसा इसका कलर आ जाएगा, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। और ये पैक मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। अलॉन्ग विद डैट मैंने अपनी डाइट का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा है, डाइट कैसी लेनी है, सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई किया है, सीरम्स वगैरह अप्लाई की हैं जो मुझे पिगमेंटेशन के लिए करना था, मैंने एक प्रॉपर रूटीन रखा है। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि आप जब भी कोई भी होम रेमेडी करते हो ना, तो उसके साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, उस होम रेमेडी को कैसे करना है उस पर भी पूरा ध्यान रखें। हम इस हल्दी को रोस्ट करने के बाद देखिए ऐसा कलर हो गया, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसी बीच में अपने बीच बीच कपड़े भी देख रही थी, कपड़े एक लोड हो गया था, अब निकाल के दूसरा लोड डाल दूंगी, क्योंकि मम्मा ने सारी सफाइयाँ आज खुद कर ली थी तो मेरे करने लायक तो कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा चलो मौसम ठंडा है तो यही कर लेती हूँ, कपड़े ही धो देती हूँ, चलो एक हाथ तो हेल्प हो जाएगी। तो भाई कहता है कि हाँ तू, नहीं भाई ने नहीं, ये मिस्टर बहल ने बोला था, कहते आजकल तू ना रोटी खान जितना काम कर देनी है। तो मैंने उनको बोला नहीं, रोटी खाने जितना नहीं, ब्लॉग बनाने जितना काम कर ले ब्लॉगिंग जितना काम तो मैं कर ही लेती हूँ। कपड़े साथ साथ धुल रहे हैं, ऐसा सच कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जस्ट मेरे और हरित्वी के हैं 2 दिन के, क्योंकि पानी वाटर सप्लाई का यहाँ पे ना 1 दिन छोड़ के आता है, तो फिर उस इस दिन कप जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन कपड़े नहीं धोए जाते। तो मैं वैसे भी इस बार काफ़ी अच्छे खासे ले आई थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे था कि मम्मी को ज़्यादा वो नहीं करना, अगर थोड़े कपड़े हो ना फिर मम्मी रोज़ हाथ से धोने बैठ जाते हैं, मेरे से धोए नहीं जाते क्योंकि मेरे को तो सर्वाइकल हो जाती है। और वैसे भी जितनी कोशिश कर रही हूँ उतनी कर रही हूँ, वो भी है ना कि ज़्यादा काम करके बीमार हो गई तो घर कैसे चलेगा। मम्मी पूरी सफाइयाँ कर रही है बेचारी, पता नहीं कब से कर रही है। मैं तो नाश्ता वाश्ता करके सो गई थी, मैं सो गई थी 9:15 बजे सो जाती हूँ मैं नाश्ता वाश्ता करके। मतलब रोज़ का टाइमिंग नहीं होता किस टाइम से उठती हूँ, किस टाइम से मेरा नाश्ता वाश्ता होता है, दवाई वगैरह होती है, उस हिसाब से मैं सो जाती हूँ। और अब मैं लूँगी अपना दूध का एक मग, उसके साथ मुझे लेनी है दवाइयाँ। मेरे आने से ना घर पे मायके में खर्चा भी बहुत होता है, ये भी मुझे फील होता है। फिर पैसे भी नहीं लेते मेरे से, मैं दे रही हूँ तो फिर पापा कहते हैं तेरे पास बड़े पैसे आए हैं, तेरे पास बड़े पैसे आए हैं। पर अब तो पेंशन ही है पापा के पास। वैसे तो चलो दवाई लेते हैं, सारा दिन तो 1 किलो 1.5 किलो दूध तो मैं ही दवाइयों के साथ पी जाती हूँ, है ना। मुझे ना थोड़ा सा ऐसा ही हुआ, मैं अकेली इसलिए इधर आके बैठ गई, पापा तो वैसे गए हैं कहीं पे, पता नहीं न्यूज़पेपर लेने गए हैं शायद अपना, मुझे बता के ही नहीं गए आज। तो क्या हुआ कि भाई कहीं जा रहा था, भाई ना कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, और वैसे भी हरित्वी आई हुई तो उसने सोचा चलो छुट्टियां कर लेता हूँ, हरित्वी के साथ खेलता है एंजॉय करता है, और वैसे भी वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है। तो भाई अब वो ना अभी कहीं जा रहा था, तो मतलब पैसे तो मुझे पता ही है कि उसका खाना उसके साथ ही जाता है शुरू से ही, मतलब कई बार वो मेरे पास भी आता है ना तो जस्ट कॉफ़ी पिएगा थोड़ी बहुत, अदरवाइज खाना वाना सब उसके साथ पैक होता है अगर वो अकेला आता है ना। तो अभी भी वो गया तो मम्मी ने उसको टिफ़िन मतलब उसका फिल करके दिया, ये नहीं है। मेरे को फील हुआ है ना कैसे मम्मियाँ करती हैं, बेटों और बेटियों में यही फ़र्क है, यहीं पे माएँ भी फ़र्क कर जाती हैं ना। चीज़ें बनी हुई हैं, दस्तूर बना हुआ है, पता है बेटियों को जाना है ये वो, लेकिन हमें भी होता है ना हमें कोई पैम्पर करे। अगर हमारी शादी 20 साल में हो गई तो तभी हमें सियानी बनना है, 30 में हुई तब भी हमें सियानी बनना है, मतलब हमारे कंधों पे बोझ जैसे शादी होती है ना वैसे डाल दिया जाता है। और भाइयों के साथ ऐसा नहीं है, उसे फुली पैम्पर करके भेजा जाता है, उसकी वाटर बॉटल, उसको जो शेक चाहिए वो उसके साथ शेक बना के भेजा जाता है, उसको खाने में जो चाहिए उसका एक स्नैक होता है जिसमें उसको दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें चाहिए, और मम्मा किचन में उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। तो मुझे ऐसा हुआ मतलब यहीं पे हम अपने मायके को मिस करती हैं, यहीं पे हमें पराया कर दिया जाता है ना। पता नहीं क्या फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि कितना अच्छा है ना पैम्परिज्म मिलना, वही पैम्परिज्म हम अपने बच्चे को देते हैं। और देखिए वही पैम्परिज्म में मेरी बेटी है ना, उसको मैं उसी तरह बड़ा कर रही हूँ जैसे मुझे बड़ा किया गया था, हर चीज़ पैम्परिज्म में देख के उसको डबल देती हूँ मैं, जितना मुझे मिला उससे भी ज़्यादा पैम्परिज्म। वही चीज़ फिर आगे जाके ना नुकसान भी करती है, जब बच्चों की शादी हो जाती है ना बेटियों की,
कुछ बेटियां तो समझदार होती हैं मेरे जैसी, जो हर चीज़ को समझती हैं और एडजस्ट कर जाती हैं, लेकिन कुछ एडजस्ट नहीं कर पाती। बेटियों के एडजस्ट ना होने के पीछे ना उनको मिलने वाला पैम्परिज्म भी सबसे बड़ा रीज़न होता है। और यहाँ पे आके मेरा मुंह बहुत साफ हो गया। ये देखिए, हमारे घर में इतनी लाइट नहीं है, छोटे छोटे बल्ब से है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगता है मेरी तबीयत पहले से ठीक हो रही है। आप बताइएगा दवाई खाना। तो यहाँ मैं पैक बनाऊंगी। मैंने थोड़ी सी जीना जो है वो तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये हल्दी ले ली, उसमें थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाली, ये देखिए ब्रू कॉफ़ी डाली है मैंने आधा पैकेट, और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है। जस्ट वन टाइम का मेरा पैक बन जाए, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दही, आप तो बड़ी इसमें खुशी आधा हुई नींबू ना, भी डाल साथ सकते में हो। ही अपनी तैयारी भी कर ली थी और साथ में ही मैंने ये फेस पैक लगा भी लिया। अच्छा रहेगा अगर आपने स्क्रबिंग नहीं की हुई है 1-2 दिन से, तो आप अपने फेस को 1 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रब करें। बहुत ही माइल्ड स्क्रब आपको यूज़ करना है, हार्श स्क्रब नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी आपके ब्लैक हेड्स वगैरह हों। तो मैंने यूज़ किया था हिमालय का नीम वाला स्क्रब, मैंने आधा 1 मिनट उसको स्क्रबिंग की। उसके बाद उसको आपको इसको एज अ पैक लगाना है गाइस, एज अ पैक आप इसे लगा के 10-15 मिनट रखें। क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, पसीना आता है, तो हल्के पंखे के नीचे आप बैठ के इसको सुखा लें। 10-15 मिनट के बाद आपको इसको रिमूव करने की कोशिश करें। मैंने ऑयल भी डाला था, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बादाम रोगन अवेलेबल था इसलिए मैंने वो डाला। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है, तो आप वो लगा सकते हैं, उसे लगा लीजिए। और इसे लगाने के बाद 10-15 मिनट आपको रखना है, हाथ हल्के से आपको इसको रब करना है। अगर तो इजीली रब हो रहा है तो वेरी गुड, इस इट मीन्स आपने इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से डाले हैं। समटाइम्स होता है तेल ऊपर नीचे हो जाता है, बेसन की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको रगड़ फील होती है, तो तब आपको इसको ऐसे नहीं उतारना। फिर आप इसे जस्ट पानी से वॉश कर लें और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। फेशाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके दाग धब्बे हैं उसके लिए हेल्पफुल है, सन टैन है उसके लिए हेल्पफुल है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है। और मेरी मम्मी तो शुरू से ही बेसन लगाती आई है, तो उसकी फेस तो बहुत ही अच्छा था। अब तो चलो बीमारियों ने जो भी है उनको कर लिया है, तो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है। आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ के आप इसे लगा सकते हैं एज अ पैक। स्क्रबिंग आपको इस तरह से नहीं करनी होती। फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है, देखिए मतलब जस्ट पानी से मैं धो के आई हूँ और मैंने कोई भी फेस वॉश मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं मिली। अगर आपकी हल्दी कच्ची है ना तो आपको फेस वॉश करना पड़ेगा, फिर वो पीला पीला छोड़ देती है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको थोड़ा सा फेस वॉश लेके अपना फेस वॉश कर लेना है, अदरवाइज आप हल्दी को अच्छे से रोस्ट करें, कोई येलोइश नहीं आएगा। और ये देखिए कितना अच्छा, जो जस्ट पानी से धोने से ही बहुत ही अच्छी सी जो है वो स्किन हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहें रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बहुत ही अमेजिंग फेस पैक है, आप ज़रूर लगाएं।